गर्मी अभी शुरुआती दौर में है और अभी से भोजन पानी की कमी से वन्य जीवन प्रभावित हो रहा है। भोजन पानी की तलाश में झुंड से बिछड़े मादा हिरण की मौत हो गई। लॉकडाउन के बीच हिरण को देखने बड़ी संख्या में एकत्रित हुए ग्रामीण। सोशल डिस्टेंस का भी नहीं हुआ पालन। पूरा मामला लोरमी खुड़िया वन परिक्षेत्र के ग्राम साल्हे घोरी का है, जहाँ पानी भोजन की तलाश में जंगल से भटक कर मादा हिरण गाँव पहुँच गयी और भागने की कोशिश में स्वास्थ्य केंद्र में लगे कांटेदार तार में फंसकर घायल हो मादा हिरण ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वही सूचना पर वन परिक्षेत्र खुड़िया के कर्मचारी मौके पर पहुंच मृत मादा हिरण का मौका पंचनामा कर शासकीय वाहन से वन परिसर कारी डोंगरी ले जाया गया है। वही पूरे मामले में वन कर्मियों का कहना है कि हिरण झुंड में आसपास के जंगलों में विचरण करते हैं। वही गर्मी के मौसम में पानी भोजन की तलाश में झुंड से बिछड़ जाते हैं। ऐसे ही भटककर हिरण झुंड से बिछड़कर गांव पहुंच गया, जहां कुत्तों से बचते भागते वक्त फेंसिंग तार में फंसकर हिरण की मौत हो गई। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते लॉकडाउन है, धारा 144 लागू है, उसके बावजूद ग्रामीण लॉकडाउन के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मृत हिरण को देखने एकत्रित होने लगे, जिसको देखते हुए मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों और ग्रामीण युवकों ने भीड़ को खदेड़ा और घरों में वापस जाने की अपील की। वन विभाग की लापरवाही एक बार फिर देखने को मिली और सूचना के घंटों बीतने के बाद भी वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश भी देखने को मिला। खामी तरफ पे लोग इनका झुंड गया हुआ था, ये बिछड़ने के कारण ये अकेले भागते हुए और कुछ सुबह उठने वाले व्यक्तियों का आहट और कुत्तों को भौंकने की आवाज सुन करके ये भागा है। भागने के दौरान इस साल्हे घोरी पहुंचने पर स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र साल्हे घोरी का ये फेंसिंग तार में टकरा जाने की वजह से छटपटाहट के कारण उसका मृत्यु हो गया है। सर करीब कितने बछड़े का होगा ये? लगभग इसका मादा चीतल है, इसका उम्र लगभग 1.5 वर्ष के आसपास का है। कहाँ कहाँ चोट है? ये चोट टकराने की वजह से इसके सिर और गले के आसपास चोट है और जिसके कारण मृत्यु हो गया है। पंचनामा? हाँ, पंचनामा उंचनामा हम लोग मौका पंचनामा ले रहे हैं। मौके में जो देखा गया है या फिर बता रहे हैं उसके अनुसार में शासकीय वाहन से अब इसका उठाने का पंचनामा लेंगे, तो उठाने के बाद शासकीय वाहन से इसको ले जाएंगे मुख्यालय लोरमी। पोस्टमार्टम की स्थिति अगर बनता है तो उच्च अधिकारियों से परामर्श लेके कराएंगे। पोस्टमार्टम होने के पश्चात में जो बाकी का प्रक्रिया है वो किया जाएगा।